सॉरी, मैं समझी नहीं। बेटा, हमारी जिंदगी सपनों और उम्मीदों के बीच ही तो झूलती रहती है। अरे हाँ, वो तुम फेसबुक की बात कर रही थी ना, मेरे लिए किसी को ढूंढ दोगी? ओके, बताइए क्या नाम है? साहिल कोहली, SAHIL SAA। ओके, ये हैं? ओ सॉरी आंटी, वो ये साहिल जी और मैं फेसबुक पे फ्रेंड्स नहीं है ना, तो मैं इनका प्रोफाइल पूरी तरह नहीं खोल सकती। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। क्या बात है आंटी, आप जानती हैं इनको? बेटा है मेरा, दूर चला गया मुझसे, बहुत दूर। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो चाहे जितना गुस्सा करें, जिद करें, माँ बाप उन्हें मना ही लेते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो माँ बाप की छोटी सी बात भी उन्हें गुस्सा आ जाता है और छोड़ के चले जाते हैं। मेरा साहिल भी मुझे छोड़ के चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। जब वो यहां से गया था ना, तो मेरी बहू प्रेग्नेंट थी। अब तक तो उसका बच्चा 3.5 साल का हो गया होगा। पोता है या पोती, मुझे तो ये भी नहीं मालूम। रोज यहां आकर बैठ जाती हूं और एक कल्पना में जीती हूं कि मेरा पोता या पोती कैसा दिखता होगा। जब तुमसे फेसबुक का नाम सुना ना, तो सोचा कि शायद मेरी कल्पना को आकृति मिल जाएगी और बाकी की जिंदगी बस उसी सूरत को देखते हुए बिता दूंगी। कमाल है आंटी, आपने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा गम इस प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सुना दिया। रोते हुए तो सभी आते हैं दुनिया में, लेकिन जिंदगी को मुस्कुराते हुए जीना सीखना चाहिए। चलती हूं, थैंक यू बेटा। कितनी अजीब बात है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम अपनी जिंदगी पूरी दुनिया के साथ शेयर कर बैठते हैं, पर अपनी इसी जिंदगी को अपने ही मां बाप के साथ शेयर करना जरूरी नहीं समझते। लव योर पेरेंट्स, ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम। जिस तरह से आपको उनकी जरूरत थी बचपन में, अब उनको आपकी जरूरत है।